हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक एंजुकेशन अकेडमी स्वागत है आप सभी का तो चलिए हम बात करेंगे आज नए चैप्टर्स के बारे में और वो चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और मैं आपको ये बता दूं इस चैप्टर्स के वेट इज ऑलमोस्ट ट्वेंटी मार्क्स के हैं आपके आने वाले एग्जाम में जिसमें ट्वेंटी मार्क्स में दो मार्क्स तो आप अलग कर दो इसमें से वो दो मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इंटरफेस विद पाइथन से पूछे जाएंगे पाइथन और डेटाबेस कनेक्टिविटी के क्वेश्चंस आएंगे वहां से और एक दो नंबर आप और कम कर सकते हो वो डेटाबेस कंसेप्ट से पूछे जाते हैं लेकिन उनका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होता है तो ऑलमोस्ट 18 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आएंगे और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर भी लेंदी है तो शायद ये सेशन पूरे एक घंटे का होगा तो चलिए देखते हैं टॉपिक पे और बात करते हैं टॉपिक के ऊपर और समझते हैं कि आखिर आपको करना क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने पी डी कंटेंट मुझे अवेलेबल मिला है मैं उस कंटेंट पे ये ये सारा डिस्कशन कर रहा हूँ तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज होता क्या है वॉट इज द एसक्यूएल जो हमारा टॉपिक है वो एसक्यूएल है इसमें कई सारे टिक्स चीज़ कवर कर किए जाएंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट डेटा टाइप स्टेटमेंट्स कमांड ई एम एल स्टेटमेंट्स ऑपरेटर वर्किंग विथ नल वैल्यूज माई सिक्वल फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बाई हैविंग क्लाउस ज्वाइन क्वेरीज ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और इसका एक दूसरा सेशन भी मैं लाऊंगा जिसमें ट्वेंटी मार्क्स के ट्वेंटी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे लेंथी सेशन वो भी होगा क्योंकि ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत सारी चीज़ों को मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द एसक्यूएल एसक्यूएल एक्चुअली क्या है मोस्ट पॉपुलर आपका जो एसक्यूएल की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज है जिसको मैक्सिमम लोगों के द्वारा यूज किया जाता है जितने भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हर जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिए माई सिक्वल और एक्कल एस सर्वर जनरली इसके क्वेश्चन छोटे क्लासेज में यानी कि नाइन टेंथ के क्लासेज के, के एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ कम पूछा जाता है इसलिए आप परेशान मत होइएगा ये केस सेंसिटिव नहीं है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा माई सिक्वल्स के फीचर्स के बारे में अगर

कि वट इज दि बेनिफिट्स आर वट आर द टास्क इज गोइंग टू बी डन बाय द एसक्यूएल क्या क्या काम कर सकते हैं एसक्यूएल तो एसक्यूएल के द्वारा क्या है आप क्वेरी कर सकते हो आप टेबल क्रिएट कर सकते हो आप टेबल्स को ऑल्टर कर सकते हो आप टेबल को ड्रॉप कर सकते हो आप रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट एंड डिलीटिंग का काम कर सकते हो रोज इन अ टेबल ठीक है उसके बाद है आप कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डेटा कर सकते हो किसी को कंट्रोल दे सकते हो राइट्स दे दे सकते हो और गारंटरिंग डेटाबेस कंसिस्टेंसी एंड इंटिगेटिव आपको यह भी फैसिलिटी मिलेगी

ओके okay. इसके बाद मैं बात कर लूँ इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज इज वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मीनस देर इज नो सो मच टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड हेयर टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है काफी आसान है आसानी से आप समझ सकते हो रिलेशनल डेटाबेस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है वाइडली यूज होता है रिलेशनल डेटाबेस में बोथ है ये दोनों तरह के कंसेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर भी यूज होते हैं और इंटरेक्टिव लैंग्वेज के तौर पर भी यूज होते हैं क्लाइंट सर्वर कंसेप्ट है इसका क्लाइंट सर्वर का मतलब होता है कि जब भी आप एसक्यूएल अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो आपके सिस्टम पर एसक्यूएल क्लाइंट होते हैं

अंदर में ठीक है तो डिफिकल्टी जो है यहां पे इसके डिसएडवांटेज है मोर फीचर्स इंप्लीमेंटेड इन प्रोपर्टी वे मींस एसक्यूएल डेटाबेस कंफर्म एनसी एंड एनसीड स्टैंडर्ड्स बट डेटाबेस गो फॉर द प्रोपर्टी एक्सटेंशंस कुछ डेटाबेस ऐसे होते हैं जो प्रोपर्टी एक्सटेंशन के साथ काम करते हैं टू स्टैंडर्ड एसक्यूएल टू इंश्योर वेंडर लॉक इन मतलब वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं अब बात आती है सिक्वल स्टेटमेंट और सिक्वल कमांड जब आप माय सिक्वल में जो भी कमांड आप लिखते हो जो भी स्टेट लिखते लिखते हो, क्योंकि क्योंकि हम एक statement लिखते हैं, जब मैंने बताया था कि SQL में क्या होता है इंग्लिश लाइक वर्ड्स हम जो यूज करते हैं ना इंग्लिश वर्ड्स करते हैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वर्ड्स मतलब एक तरह का स्टेटमेंट आप बनाते हो सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हो इसलिए सीक्वल कमांड जितने भी आप यूज करोगे वो एक प्रॉपर स्टेटमेंट्स के फॉर्म में यूज होता है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के साथ क्या है कि सिक्वल कमांड उसे कह दीजिए या सिक्वल स्टेटमेंट कह दीजिए इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंस एक खास तरह का सेंटेंस होते हैं इट कंटेन्सॉजे इसके अंदर में क्लॉजेज होते हैं एंड इट्स एंड विद द सेमी कॉलन मतलब ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट में सेमी कॉलन हम लगाएंगे लगाएंगे जस्ट जैसे सेंटेंस एंड होते हैं नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में हम सेंटेंस को एंड करते हैं तो हम क्या लगाते हैं फुल स्टॉप लगाते हैं लेकिन माई सिक्वल्स के अंदर में जब आपका सेंटेंस एंड होगा तो आपको क्या लगाना है आपको यहाँ पे ठीक है आपको यहां पे लगाना है सेमी कॉलन क्या लगाना है सेमी कॉलन लगाना है अब अगर हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कमांड्स बट इट इज कैटेज इनटू द फोर कैटेगरी कितने कैटेगरीज इसे कैटेगराइज कर रहे हैं देर आर फोर स्टेटमेंट्स अब ये याद रखना है दिस इज द इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा अभी तक जितने भी टॉपिक अभी अभी तक जितने मैंने डिस्कस किए हो सकता है वहां से कुछ क्वेश्चन आ जाए वट इज एसक्यूएल आ जाए वट इज माई सिक्वल आ जाए वॉट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आ जाए बट वाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सिक्वल स्टेटमेंट ना यहां से क्वेश्चन तो गारंटेड है इसको तो डैम श्योर आप मान लो ये काफी वीवीआई वी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है एक से दो नंबर का क्वेश्चन यहां से बिल्कुल आ सकता है इसलिए इसको कैटराइज करना याद रखना जरूरी है तो आइए समझते हैं कि जो एसक्यूएल के कैटेगरीज हैं कमांड्स के तो सबसे पहला कमांड्स हमारा आ गया डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज ये क्या है ये ऐसा स्टेटमेंट है डिफिनेशन लैंग्वेज मतलब डेटा को डिफाइन करने की फैसिलिटी आपको यहां पर दी जाती है यू आर एबल टू क्रिएट द डेटा बेस आर एबल टू ऑल्टर द डेटा बेस यू ड्रॉप द डेटा बेस तो दिस फैसिलिटीज यू आर गेटिंग डीएमएल डी DL commands provide us facility of creation and deletion of the database. Tables and views means you can create the database also, you can create the tables also, and you can create the views also. So there are different types of the command set of definitions are available which specify the storage structure in a database systems. Means you are going to decide okay, how the informations are going to be stored in your database, how you are going to process the informations in your database. So this facilities you are getting in a DDL commands. There are some popular DDL commands that is used for the create create table create database create view these are the this create what is the very important and now whenever you get the create command you usually say that okay, this is the ddl commands it is not the dml command because you maybe find out that there is some question in that the commands are written there and it will ask you identify the categories of the commands so out of these commands you have to find out what are the categories so accordingly you have to give the answer so the first is used to create new table create command is used for the create new table it is used for the create Create database, it is used for the create view also. Drop keyword whenever you are getting the drop statements, drop keyword, it means you are talking about the deleting of tables, deleting of database, deleting of views, drop table. For table, drop database, for database, drop view, for view, alter table means by name you can easily say that ki here you are going to modify the structure, whatever the structure you have decided with the help of the create command, those structures you are going to change with the help of the alter table command. So, alter table command is also very much important for you. It is change the structure. नाउ आई होप सो कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड की डी डी एल कमांड कैसे पहचान हो गई जब ऑल्टर की वर्ड हो जब क्रिएट की वर्ड हो और जब ड्रॉप की वर्ड यूज हो जाए कमांड के साथ तो समझ जाना डी डी एल कमांड है डेटा बेस ओके नाव आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डीएमएल की वट आर दी एम एल कमांड्स और कौन कौन से डीएमएल कमांड्स हैं हमारे पास डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन और मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है वट इज द मीनिंग ऑफ़ द मैनिपुलेशंस। अगर हम मैनिपुलेशन की बात करें तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी चीज में छेड़छाड़ करना किसी में कोई परिवर्तन लाना किसी तरह का कुछ मतलब

स्टेटमेंट है जिसको कि हम इंसर्ट स्टेटमेंट कहते हैं इंसर्ट इंसर्ट रिकॉर्ड्स इंसर्ट डेटा इनटू टेबल ये टेबल के साथ काम करेगा उसके बाद आपका एक सेलेक्ट स्टेटमेंट है रिट्राइव करने के काम में आता है और इसी को हम क्वेरी कहते हैं क्या कहते हैं क्वेरी कहते हैं डेटाबेस से या टेबल से इंफॉर्मेशनस को रिट्राईव करने के लिए वी आर ऑलवेज यूजिंग द सेलेक्ट कमांड अपडेट मीन्स आपने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया यू वॉन्ट टू मेक अ चेंज इन दैट रिकॉर्ड फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द अपडेट स्टेटमेंट एक्जिस्टिंग डेटा में किसी तरह का चेंज करना है टेबल के अंदर में तो वी आर यूजिंग द अपडेट डिलीट कमांड यू यूज टू द डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल तो मेरे बच्चे इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना कि तो दिस कमांड्स यू हैव टू लर्न एंड दिस कमांड्स टू रिमेंबर बिकॉज दिस कमांड्स इज गोइंग टू आस्क इन योर क्वेश्चन एग्जाम मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां से आपको एक से दो नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे डैम श्योर है

to the users and for that purpose we are using the grant commands at the same time if you want to take the permissions take the privilege means withdraw the access privilege for that purpose we are using the revoke command there is a one more important command and that command is known as the TCL command. What is the command? That command is known as the TCL command. So your TCL command is also very much important for you. TCL stands for the transaction. What is the meaning of the transaction, my dear? Whenever you are inserting record, जब कभी भी record insert करते हो, जब कभी भी record को delete करते हो, जब कभी record को update करते हो, ये सारे transaction में आते हैं. This is called transaction. Transaction word अगर याद नहीं हो ना, तो आप अपने bank account को ध्यान करना है कि bank account में पैसे डालना आपका transaction है, पैसे निकालना

डी कमांड पे काम नहीं करता है मतलब अगर आपने टेबल क्रिएट कर दिया है तो आप उसको अंडू नहीं कर सकते हो अनक्रिएट नहीं कर सकते हो दैट्स पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड यू सपोज टू बी लर्न एंड रिमेंबर इट

से लिखेंगे माइसिक्वल कमांड लिखते समय आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है और वो ये बातें हैं कि माइसिक्वल कमांड जो होते हैं वो लोअर केस या अपर केस दोनों में टाइप किए जाते हैं क्योंकि माइसिक्वल केस सेंसिटिव नहीं है ठीक है उसके बाद क्या है कि माई सिक्वल्स कमांड्स के जो है स्टेटमेंट्स हम सिंगल लाइन में भी टाइप कर सकते हैं और हम मल्टीपल लाइन में भी टाइप कर सकते हैं उसके बाद क्या है कि कमांड के लास्ट में स्टेटमेंट के लास्ट में हमें सेमी कॉलम देना होता है टर्मिनेट करने के लिए उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है लाइन के अंदर में लेकिन की को कैन नॉट मतलब अलग अलग की नहीं कर सकते हैं कॉमा हम यूज कर सकते हैं पैरामीटर्स को सेपरेट करने के लिए जब कभी कोई क्लॉज नहीं यूज होता है कैरेक्टर्स एंड डेट्स कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं कैरेक्टर या डेट्स जितने भी डाटा लिखे जाते हैं वो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में इंक्लूज्ड होते हैं उसको इंक्लूज्ड करना होता है कमांड जो है वो फुल और फर्स्ट फोर कैरेक्टर्स मतलब किसी भी स्टेटमेंट या कमांड का या तो आप पूरा लिख सकते हो या उसके शुरू के चार कैरेक्टर भी लिखने से वो एक्स्क्यूट कर जाता है अब आती है कि जब आप कमांड की बात कर रहे हो टेबल की बात कर रहे हो डेटा की बात कर रहे हो तो डेटा टाइप्स की भी बात आएगी डेटा टाइप्स क्या होता है ये हमें यह बताता है कि किस तरह का डेटा है और उसके ऊपर क्या प्रोसेस होगा ये डेटा टाइप्स हमें बता रहा होता है तो डेटा टाइप्स डिक्लेयर टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द डेटा दैट विल स्टोर इन अ पर्टिकुलर फील्ड और वेरिएबल कुछ सिक्वल्स के डेटा टाइप्स हैं जिसका हमें ध्यान में रखना है अब आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक इंटीजर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेस्मल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डबल को भी याद रख लो कई बार डबल

हो जाएगा डेसिमल का मतलब क्या हो गया अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करना है प्रीसीजन और डेसिमल के साथ मतलब आपको बताना है कि फाइव डिजिट्स का वैल्यू होगा जिसमें दो डिजिट डेसिमल पॉइंट के लिए है दो डिजिट नॉर्मल नंबर के लिए है और एक पॉइंट के लिए है तो आप यहां पे क्या लिखोगे आप यहां पे लिखोगे डेसिमल फाइव कॉमा टू ठीक है रियल नंबर्स का मतलब हो गया कि ये सिंगल किन इसको बोलते हैं डबल्स का मतलब हो गया आपका डबल प्रिसीजन मतलब फ्लोटिंग पॉइंट फ्रैक्शन के बाद पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट आपके बढ़ जाते हैं कैर की अगर बात करें तो कैर हमारा फिक्स लेंथ करेक्टर डेटा टाइप्स है कैसा डेटा टाइप्स है कैर हमारा फिक्स लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप्स है और यहाँ पे मैक्सिमम टू फिफ्टी फाइव करेक्टर्स लिख सकते हो इसको फिक्स लेंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी साइज आप बताते हो आप उससे ज्यादा वैल्यू नहीं स्टोर कर पाओगे पहली बात दूसरी बात यह है कि अगर

ये सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर बंद होता है टाइम मतलब टाइम स्टोर आवर मिनट्स एंड सेकंड वैल्यू तो ये डेटा टाइप्स आपको ध्यान में रखने हैं अब सिक्वल्स कमांड्स के हमें कुछ बेसिस समझने हैं अब कमांड्स को समझने है कि कमांड्स हम कैसे यूज करेंगे टेबल्स हम कैसे क्रिएट करेंगे डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे तो आइए अब इस कमांड्स को वन बाई वन समझते हैं सबसे पहला आता है बात क्रिएट टेबल करने की क्रिएट डेटाबेस देखो जब कभी भी आपको किसी टेबल्स पे काम करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा डेटाबेस को क्रिएट करना होगा डेटाबेस क्रिएट करने के बाद यू आर सपोज टू बी यूज़ द डेटाबेस यूज का मतलब होता है डेटाबेस को ओपन करना तो जो सबसे पहला कमांड होता है वो क्रिएटिंग एंड यूजिंग डेटाबेस की बात हो रही है क्रिएट डेटाबेस के लिए हमारे पास कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस इसके साथ हम एडिशनल कीवर्ड लगा सकते हैं इफ़ एक्ट नॉट एग्जिस्ट और फिर हमें डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करना होता है ठीक है

डेटाबेस देखो यूज लिखने का मतलब हो गया हमने अपने वर्किंग डेटाबेस को चेंज कर लिया कि नाउ आई एम गोइंग टू वर्क इन दिस डेटाबेस सो द टेबल्स एंड व्यूज आई एम क्रिएटिंग दिस मस्ट बी क्रिएटेड इन दैट डेटाबेस ओनली ठीक है

का आउटपुट आपको दिखाई देगा अगर आप शो डेटाबेस कमांड एग्जिस्ट कराते हो इसके बाद अगर हम बात करें शो डेटाबेस के बाद डेटाबेस को डिलीट करना ड्रॉप करना अब देखो क्रिएट कौन सा कमांड है डीडीएल कमांड है ड्रॉप कौन सा कमांड है डी डी एल कमांड है मतलब किसी भी डेटाबेस को अगर आप रिमूव करना चाहते हो डिलीट करना चाहते हो तो आपको ड्रॉप स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए ध्यान रखना है कि अगर आप किसी डेटाबेस को ड्रॉप कर दोगे तो डेटाबेस के जितने भी टेबल्स होंगे उस डेटाबेस के अंदर में दो टेबल्स आर ऑल्सो गोइंग टू डिलीट तो ड्रॉप डेटाबेस कमांड को यूज करने के लिए डेटाबेस के साथ डेटाबेस का नाम होता है और एक बार अगर कोई टेबल डिलीट हो गया तो फिर आप वो टेबल रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने पे दिया, तो हमारा डिलीट हो जाएगा हमें और कोई मैसेज नहीं दिखाई डी डी कमांड की बात करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब अभी आपने क्या किया था बेसिक कमांड्स बेसिक देखा था जिसमें कि आपने डेटाबेस को यूज़ किया था और डेटाबेस को ड्रॉप किया था अब हम बात कर रहे हैं क्रिएट स्टेटमेंट्स के बारे में कि हम क्रिएटिंग कैसे कर सकते हैं अगर मान लीजिए हमें एक टेबल क्रिएट करना है तो हमें क्रिएट स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी टेबल्स को क्रिएट करने के लिए जब कभी भी आप क्रिएट टेबल कमांड को यूज़ करते हैं तो इसके साथ आपको टेबल का नाम बताना होता है कॉलम का नाम बताना होता है फिर अभी मैंने आपको डेटा टाइप बताया वो डेटा टाइप बताना होता है फिर साइज़ बताना होता है अगर कोई कॉन्स्टेंट्स है तो आप कॉन्स्टेंट लगा सकते हो यहाँ पे अदरवाइज सेम स्टेटमेंट्स को रिपीट करेंगे ठीक है इसके बाद क्या होगा कि जो डेटा टाइप्स आपने यहाँ पे बताया है तो इस कॉलम का वो डेटा टाइप हो जाएगा और उतनी ही वैल्यू को उसी तरह की वैल्यू को ये स्टोर करेगा यहाँ पे ये एडवांटेज मिलता है यहाँ पे ठीक है इसके बाद आता है द डेटा टाइप एक्सप्रेस वाइज टाइप्स ऑफ डेटा द कॉलम कैन होल्ड एंड साइज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स ठीक है तो डेटा टाइप जो बताएगा ये डेफिनेशन याद कर लेना टाइप ऑफ द डेटा कॉलम कैन होल्ड एंड द साइज और कॉन्स्टेंट जो है वो ऑप्शनल स्टेटमेंट है आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं जैसे कि अब इस टेबल्स के अंदर में में देखिए टेबल्स के अंदर में यहाँ पे टेबल बनाया जा रहा है क्रिएट टेबल और इस टेबल्स के अंदर में आप चाहो तो देखो यहां पे आपने पी क्रिएट किया वो कैसा है एड्रेस आपका वैरकै है, है तो ये जो वैरकै दिख रहा है जितने भी इंट दिख रहे हैं आपको ये क्या है ये इसके डिटाटाइज हो गए और इसके साथ जो साइज आ रहा है वो साइज मतलब कितना साइज स्टोर करेगा प्राइमरी की हमारा एक कॉन्स्टेंट यहां पे लगाया गया है अब ये वैरकैर में ट्वेंटी फाइव इसका साइज है नॉट क्या हमारा कॉन्स्टेंट है यहाँ पे वेरका 25 क्या हो गया साइज हो गया वेरका 30 क्या हो गया साइज हो गया 25 साइज हो गया कांस्टेंट के बारे में भी समझ लें कि कांस्टेंट होता क्या है तो कांस्टेंट एक्चुअली कंडीशंस होता है जब कभी भी आप कोई टेबल्स क्रिएट करते हो तो उसके ऊपर आप कुछ कंडीशंस बताते हो जिससे कि वैल्यू जो एंटरड होगी वो प्रॉपर तरीके से एंटरड होगी एक्चुअली कांस्टेंट्स का काम कांस्टेंट क्या करेगा इंफोर्स करता है एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशंस को एंड दिस कैन बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग टेबल्स मतलब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो उसी समय आपको कांस्टेंट्स डिक्लेयर करने होते हैं और ये इंटीग्रिटी ऑफ रिलेशंस को इंश्योर करता है और इसलिए इसे इंटीग्रिटी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं ठीक है अब कांस्टेंट्स कितने तरह के होते हैं तो देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ द कांस्टेंट्स सिक्स कांस्टेंट्स हैं सबसे पहले नॉट नल कांस्टेंट्स होता है इट मींस द कॉलम कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू यूनिक कॉन्स्टेंट्स होता है इट मीनस कॉलम मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू ओनली इट विल नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यू प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कि इंश्योर दैट कॉलम हैव यूनिक वैल्यू कॉलम के पास यूनिक वैल्यू हो और साथ ही साथ वो यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करे कॉलम्स के पास यूनिक वैल्यू हो और उसमें नल वैल्यू नहीं हो ठीक है नल वैल्यू अलाउड नहीं है प्राइमरी की कॉन्सटेंट्स कैन कंटेन प्राइमरी की कांस्टेंट्स में हम नल वैल्यू नहीं डाल सकते हैं फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स क्या होता है कि ये डिजीज यूज होता है कि एक कॉलम्स को एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ रिलेट करना हो तो हम फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स को यूज करते हैं ये इट्स अ यूज फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन विद द प्राइमरी की इन अ डिफरेंट टेबल्स तो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप का काम जो है वो हम फॉरन की से करेंगे ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट है कॉन्सटेंट है दैट इज कॉल्ड चेक कॉन्स्टेंट चेक की तो चेक के साथ चेक

लिस्ट ऑफ द टेबल्स अगर आपको पता करना है तो उसके लिए हम शो स्टेटमेंट ले यूज करते हैं जैसे शो टेबल्स शो डेटा तो इस तरह के कमांड्स को हम यूज करके हम कितने डेटाबेस हैं हमारे टेबल्स के अंदर में कितने हमारे पास डेटा हैं तो इसकी जानकारी हम ले सकते हैं शो टेबल्स कमांड से और शो डेटा बेसेज कमांड से दो तरह के कमांड हैं शो टेबल से टेबल टेवल पता चलेगा और अगर आप इस जगह पे शो डेटा बेस लिख देते मान लीजिए आपने लिख दिया शो डेटा बेसिस कमांड तो जितने भी डेटा आपके माई के अंदर में हैं वो सबकी लिस्टिंग यहाँ पर आ जाएगी ठीक है अब हम बात करते हैं डिस्क्राइब स्टेटमेंट्स का जैसे कि आपने टेबल बना दिया अब टेबल बनाने के बाद आप टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना चाहते हैं पता करना चाहते हैं कि टेबल्स में कौन कौन से कॉलम बने उसके क्या क्या डेटा टाइप्स हैं तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द डिस्क्राइब स्टेटमेंट अब डिस्क्राइब स्टेटमेंट के लिए हमें क्या करना होगा हम डिस्क्राइब या डी एस सी शॉर्ट में हम चार लेटर भी यूज कर सकते हैं दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज दिस कमांड विल डिस्प्ले द कॉलम्स नेम अवेलेबल डेटा आइटम्स एंड देयर डेटा टाइप्स इतनी चीजें बताएगा जैसे डिस्क्राइब के गया आप टेबल का नाम लिख दीजिए या डी एस सी आगे टेबल का नाम लिख दीजिए अब आपको देखना है कि आप डी एस सी यूज करना चाहते हैं या डिस्क्राइब यूज करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है जब कभी भी आप डिस्क्राइब कमांड चलाओगे तो इसके चार हेड मिलेंगे एक फील्ड टाइप नल की डिफॉल्ट पांच और छः एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या होगा कॉलम का नाम आ जाएगा जितने भी कॉलम आपने क्रिएट टेबल कमांड में दिए थे ये उसके डेटा टाइप के आ जाएंगे और जहाँ पे आपने साइज मेंशन किया है उसके साइज भी आएंगे अगर आपने प्राइमरी की बनाया है तो देखो नल वैल्यू अलाउड नहीं है और ये प्राइमरी की है यूनिक बना दिया तो नल वैल्यू नहीं होगा इसमें ठीक है बाकी सभी जगह पे नल वैल्यू अलाउड है इसका मतलब ये होता है ड्रॉप स्टेटमेंट ड्रॉप स्टेटमेंट कौन सा कमांड है हमारा डी कमांड है एंड ड्रॉप स्टेटमेंट्स का काम है टेबल्स को रिमूव करना डेटा को रिमूव करना को रिमूव करना तो अगर आप किसी चीज को टेबल्स के साथ उसके डेटा कॉन्स्टेंट्स और परमिशन को रिमूव करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप टेबल कमांड को यूज कीजिए एक चीज का ध्यान रखना है कि वंस यू हैव डिलीटेड द टेबल देन ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन टेबल वुड बी ऑल्सो लॉस्ट फॉर मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि टेबल्स आपका रिकवर हो जाएगा तो इस चीज का उसी जगह पे अगर मान लीजिए आपको ड्रॉप डेटाबेस कमांड यूज करना है तो ड्रॉप डेटाबेस के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा ड्रॉप डेटाबेस क्या लिखना पड़ेगा ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा जो भी डेटाबेस का नाम है वो नाम ठीक है तो इस तरह से आप टेबल्स को या डेटाबेस को क्रिएट एंड ड्रॉप कर सकते हैं इसके बाद आता है हमारा ऑल्टर टेबल कमान कि ऑल्टर स्टेटमेंट्स का काम क्या है कि टेबल्स के अंदर में ऑल्ट्रेशन करना जैसे कि हम मान लीजिए कॉलम ऐड करना चाहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से देखो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पास आएगा ही आएगा ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है ऑल्टर स्टेटमेंट से हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं हम कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं हम कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं ठीक है तो इतने सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं द ऑल्टर स्टेटमेंट यूज टू एड डिलीट मॉडिफाई कॉलम्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन द एग्जिस्टिंग टेबल जैसे ऑल्टर टेबल टेबल का नाम एड कॉलम का नाम डेटा टाइप आपको इस तरह से कमांड को यूज करना पड़ेगा जैसे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट अब स्टूडेंट टेबल में एक सेक्शन नाम का कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो हमने ऐड सेक्शन लिखा ड्रॉप करना चाहेंगे तो ड्रॉप सेक्शन लिखेंगे अपडेट करना चाहेंगे तो अपडेट लिखेंगे ठीक है अगर किसी कॉलम को ड्रॉप करना है किसी कॉलम को ड्रॉप करना है तो किसी भी कॉलम को ड्रॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम कॉलम टेबल टेबल के साथ हमें यूज करना पड़ेगा ड्रॉप टेबल कॉलम क्या यूज करना पड़ेगा हमें कॉलम कमांड को यूज करना पड़ेगा और कॉलम का नाम देना पड़ेगा जैसे ऑल्टर टेबल ए स्टूडेंट और उसके आगे, आगे आप देख सकते हो ड्रॉप कॉलम लोकेशन क्या लिखा हुआ है ड्रॉप कॉलम लोकेशन तो इट विल गोइंग तो टू डिलीट आ column from your table. इसके बाद आता है मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप मतलब ऑल्टर टेबल के साथ देखो कितने क्लॉज यूज होते हैं ऑल्टर टेबल के साथ हमने एक ऐड को यूज़ किया हमने एक ड्रॉप को यूज किया ऐड से कॉलम ऐड करेंगे कांस्टेंट्स को ऐड करेंगे ड्रॉप से हम कॉलम को डिलीट करेंगे और कांस्टेंट्स को डिलीट करेंगे यहाँ टेबल नहीं यहाँ कॉलम की बात हो रही है कॉलम या कॉन्सटेंट्स को ही हम ऐड करते हैं या ड्रॉप करते हैं यहाँ से इसके बाद आता है मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप का मतलब क्या हो गया कि ऑल्टर टेबल कमांड्स के साथ हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी कॉलम के नाम उसके डेटा टाइप को अगर हमें चेंज करना है तो हम मॉडिफाई क्लॉज यूज करते हैं जैसे मॉडिफाई के साथ फी फी के बाद हमारा आ जाएगा नंबर और नंबर के बाद हमारे पास फिफ्टीन कॉमा टू आ जाएंगे एक मिनट में आ रहा हूं इसके बाद मॉडिफाई करने के बाद जैसे कि आपने डेटा टाइप मॉडिफाई कर दिया तो अब मॉडिफाई क्लॉज के साथ हम डेटा टाइप भी मॉडिफाई कर सकते हैं साइज़ मॉडिफाई कर सकते हैं और स्पेस मॉडिफाई कर सकते हैं इसके बाद का कमांड देखिए जो हमारे पास अगला कमांड है दैट इज़ द डिलीट कॉन्स्टेंट्स यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना है ऑल्टर टेबल देखो ऑल्टर टेबल कमांड से एक क्वेश्चन गारंटेड है पूछा ही जाएगा इसका हंड्रेड परसेंट चांस है कि ऑल्टर टेबल कमांड से आपके पास एक क्वेश्चन आएगा और जैसे कि ऑल्टर टेबल में कॉलम ऐड करने का कांस्टेंट ऐड करने का टेबल को डिलीट करने का कांस्टेंट्स को डिलीट करने का तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कांस्टेंट्स यहाँ से हम ड्रॉप कॉन्स्टेंट्स और कॉन्स्टेंट्स का नाम दे सकते हैं अगर आप ड्रॉप कॉन्स्टेंट को ड्रॉप करना चाहते हो जैसे ड्रॉप के साथ हमने लिख दिया प्राइमरी की ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है इसको ध्यान कर लीजिए ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप Primary key. The above query will the delete the primary key constants from the student table.

उसके बाद आपको न्यू टेबल का नाम देना है किसके नाम से कैंडिडेट के नाम से किसके नाम से रिनेम करना है कैंडिडेट के नाम से रिनेम करना है ठीक है अब हम बात करेंगे डीएमएल कमांड्स के बारे में दैट इज द डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट आप थोड़ा सा क्विक रहिए मेरे साथ क्योंकि ये रिविजन सेशन है ये बड़ा फास्ट चल रहा है आपके लिए मैं इसको एक्सिक्यूट करा के भी दिखा सकता हूं बट इट विल टेक सम टाइम्स तो अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है इसके लिए सेशन्स को ध्यान में रखना है डीएमएल स्टेटमेंट्स के साथ अगर हम बात करें डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स के साथ तो दिस डीएमएल स्टेटमेंट्स में आपको मैंने बताया था कि यहां पे चार तरह के कमांड होते हैं सबसे पहले हम इंसर्ट इंसर्ट स्टेटमेंट इंसर्ट स्टेटमेंट्स इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू रो और डेटा इन अ टेबल टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना होता है इंसर्ट के साथ हमारा होता है इंसर्ट उसके बाद इनटू आता है फिर हम टेबल का नाम देते हैं फिर हमारे पास वैल्यूज आते हैं फिर अलग अलग हम वैल्यूज मेंशन कर देते हैं एक तो तरीका यह है इंसर्ट को यूज करने का दूसरा तरीका क्या है इंसर्ट को यूज करने का दूसरा तरीका में आप इंसर्ट के साथ कॉलम के नाम्स को मैंसन कर सकते हो जैसे इंसर्ट इन टेबल नेम और टेबल नेम के बाद आप देखो यहाँ पे कॉलम का नाम लिखा जा रहा है आप कॉलम का नाम लिख सकते हो फिर आप वैल्यूज लिखो और फिर वैल्यू प्रोवाइड करो इसमें क्या फैसिलिटी मिल जाती है इस कमांड में और पिछले वाले कमांड में क्या डिफरेंस है जब आप कॉलम का नाम देते हो तो आप स्पेसिफाई कर देते हो कि इसी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उससे क्या होगा कि आप नल वैल्यू भी पास कर सकते हो आप समटाइम यू वॉन्ट टू पुट द स्पेसिफाई द सम लिस्ट वैल्यूज यू आर नॉट हैविंग द कंप्लीट वैल्यूज ऑफ द रिकॉर्ड्स तो ऐसे केस में हम इंसर्ट इन टेबल और उसके साथ कॉलम का नाम मेंशन करके काम करते हैं

अब बात करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट देखिए सेलेक्ट स्टेटमेंट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पांच से छह क्वेश्चन होंगे या सेलेक्ट से रिलेटेड होंगे के साथ. तो उन सारे और से पूछे जा सकते हैं पहला दूसरा यह हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट सिक्वल स्टेटमेंट दिए होंगे और आप सेलेक्ट स्टेटमेंट पहले से लिखा हुआ होगा एंड आपको उसका आउटपुट डिसाइड करना है तीसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि एक टेबल दिया हुआ है उसके कुछ कंडीशंस आपको स्टेटमेंट लिखे गए हैं और उस स्टेटमेंट की रिस्पॉन्स में मतलब उस क्वेरी के रिस्पॉन्स में आपको क्वेरी लिखनी होगी कि कैसे आप को यूज तो purpose, के बेस्ट पे ही आएगा क्योंकि मैक्सिमम कमांड हम जो लिखने वाले हैं वो सेलेक्ट स्टेटमेंट से ही लिखने वाले हैं चलिए समझते हैं सेलेक्ट का स्टेटमेंट का काम क्या है इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट नाम से पता चल रहा है डेटा फ्रॉम

इन्फॉर्मेशन को लेना है जैसे हमने सेलेक्ट लास्ट नेम फर्स्ट नेम कहाँ से लेना है पर्सन टेबल से लेना है तो वी वॉन्ट टू सेलेक्ट द द द कंटेंट ऑफ़ कॉलम्स लास्ट नेम नेम फर्स्ट फ्रॉम पर्सन टेबल्स, तो इस तरह से हम सेलेक्ट कमांड को यूज कर सकते हैं अगर मान लीजिए हमें सारे कॉलम्स देखने हैं इफ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट द ऑल द कॉलम्स फ्रॉम पर्सन टेबल्स तो क्या हम करेंगे वी विल यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन हम इस तरीके से कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इन दैट केस यू आर गोइंग टू लिस्ट आउट ऑल द इंफॉर्मेशन अब देखो जब आपने कॉलम मैंशन किया जैसे आपने बोला कि भैया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही देखना है तो यू कैन सी द आउटपुट इज कम्स लाइक दिस वे इट विल शोइंग द फर्स्ट यू हैव रिटन है लास्ट नेम सो दैट्स वाई इट इज शोइंग द लास्ट नेम फर्स्ट देन यू हैव रिटन द फर्स्ट नेम देन इट इज शोइंग द फर्स्ट नेम हिस्टर so this way you are getting the output but when you are writing when you have written select a star means all columns so it is going to give you the all columns

मतलब क्या है कि जैसे मैंने लिख दिया सेलेक्ट doj अब doj क्या है कि कॉलम का नाम जो है वो शॉर्ट में लिखा गया है बट मैं चाहता हूं कि जब आउटपुट आए तो यहां पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा हो या ज्वाइनिंग डेट लिखा हो तो देखो इसने एज ज्वाइनिंग डेट लिखा तो जरा आउटपुट में देखो यहां पे क्या आया doj के जगह पे जॉइनिंग डेट आया है तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द एलियास Now we are going to learn about the some operators in SQL. अब SQL के अंदर में कई सारे operators हैं तो time to time we are going to use these operators. एक operators होता है that is called arithmetic operator. Arithmetic operators का, का काम क्या है ये mathematical calculations के लिए use होता है add, subtract, multiply, divisions and remainder. इसके लिए symbols plus है minus है multiply है divide है modulus है हम इन symbols का use करते हैं अपने select query में जब कभी भी हमें कोई arithmetic calculation

कर सकते हो और अब जब तक आउटपुट को चेक करो जरा सा यहाँ पे आपने एम्प्लॉय नेम लिखा तो एम्प्लॉय नेम आ गया एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आ गया लेकिन जब आपने यहां पे एक्सप्रेशन लिखा था एम्प्लॉय सैलरी मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट टू जीरो तो यू विल सी द आउटपुट इज ऑल्सो एम्प्लॉय सैलरी मल्टीप्लाई टू मतलब कॉलम का नाम यही हो गया बट अगर इसी जगह पर मैं चाहता कि इसका नाम कुछ और हो जाए तो वी विल यूज द एज और यहाँ पर मैं लिख सकता था ट्वेंटी परसेंट ऑफ सैलरी तो ऐसे केस में इस पूरे स्टेटमेंट इस पूरे की जगह पे क्या आ जाता है यहाँ पे ट्वेंटी परसेंट लिखा हुआ आ जाता है नेक्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेशन अब जैसे आपको सिंपल अर्थमैटिक ऑपरेशन कुछ कैलकुलेट करके देखना है एज कैलकुलेटर तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो और आपको प्रॉपर आउटपुट यहां पे मिल जाएगा नाउ वी आर आर हैविंग द ऑपरेटर्स 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 का मतलब हो गया कि वी आरिजनिटर्स टू मेक द दिजन यू वॉन्ट टू कंपेयर द टू वैल्यूज यू आर सपोज टू यूज द कंपेरिजन ऑपरेटर टू टेस्ट और कंपेयर द वैल्यूज ऑफ द टू ऑपरेन्ट्स बिटवीन वेरिएबल्स एंड अ कॉन्स्टेंट्स कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो रिजल्ट जीरो आएगी कंडीशन अगर True होगा तो रिजल्ट नॉन जीरो आएगी और ऐसे ऑपरेटर को relational operator कहते हैं जैसे इक्वल टू इक्वल टू के लिए के लिए और के के लिए लिए और यहां पर हमें एक और कंपेरिजन ऑपरेटर मिलेगा दैट इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू अब नॉट इक्वल टू हम कई तरीके से लिख सकते हैं आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इस तरीके से भी लिख सकते हो तो देर आर टू वे टू राइट द नॉट इक्वल टू आप ऐसे भी लिख लो और ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है, इक्वल टू यहां पे नॉट लेस हो गया और ये नॉट ग्रेटर स्टेटमेंट का पूरा कॉलम नेम एक्सप्रेशन आ गया फ्रॉम टेबल वेयर कंपेरिजन ऑपरेटर्स फॉर एग्जाम्पल क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय सैलरी हम क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे हमने क्या लिखा यहां पे सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम कंपनी अब यहाँ पे वेयर के साथ कंडीशन आ गया वेयर इंप्लॉयज सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मतलब क्या है कि वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी इम्प्लॉय सैलरी पच्चीस हजार से ज्यादा है तो जैसे देखो पच्चीस हजार छः सौ छब्बीस हजार छब्बीस हजार तो ये वाला रिकॉर्ड हमें आउटपुट में मिल रहा है आप और भी ऑपरेटर यूज कर सकते हो आप स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हो आप डेट एंड टाइम के साथ यूज कर सकते हो तो आप किसी के साथलॉज इन सिक्वल एंड दोलटर्स एंड और नॉट इट इज यूज टू कंबाइन द सम मोर कंडीशन वेन यू वॉन्ट टू राइट टू और मोर देन टू कंडीशन फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग एंड क्लॉज बट इफ यू टू यूज जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो वे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर दिस दिस एंड एंड एम्प्लॉय सैलरी इज मतलब डिपार्टमेंट नंबर डी जीरो फाइव हो और सैलरी ट्वेंटी टू थाउजेंड से ज्यादा हो तो रिकॉर्ड दिखाना देन ओनली यू विल शो मतलब कि मल्टीपल कंडीशन हमने लगा दिया इसी जगह पर हो गया नहीं नहीं ऐसा नहीं है या तो डिपार्टमेंट नंबर डी जीरो इंप्लॉय सैलरी ग्रेटर ट्वेंटी टू थाउजेंड हो तो देखो यहां पे और का इस्तेमाल किया गया और और एंड के बीच के डिफरेंस को समझिए एंड कहता है दोनों ही कंडीशन ट्रू हो मल्टीपल कंडीशन ट्रू हो फिर काम करना और कहता है यार कोई भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है या तो ये हो जाए या

वो रिकॉर्ड दिखाएगा जिसकी सैलरी ग्रेटर लेकिन हमने यहां पे क्या लिखा नॉट लगा दिया क्या लगा दिया हमने यहां पे नॉट लगा दिया तो जैसे ही हमने यहां पे नॉट लगा दिया तो ये क्या हो गया अब वो रिकॉर्ड दिखाएगा जिसकी सैलरी उससे ज्यादा नहीं है हम यहां पर नॉट ऐसे भी लगा सकते हैं एज अ सिंबल भी नॉट को हम यूज कर सकते हैं ठीक है या इसका एक और तरीका भी था कि इसने कहा था एम्प्लॉय सैलरी नॉट ग्रेटर देन हो तो आप कंडीशन ऐसे भी लगा सकते थे सैलरी सैलरी ठीक है और नॉट ग्रेटर देन थाउजेंड तो लेस देन ट्वेंटी थाउजेंड कर दो ठीक है तो आप इस तरह से लेस देन एंड ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी टू थाउजेंड कर दो तो इस वे में भी आप कंडीशन यूज कर सकते थे डिस्टिंग कीवर्ड एक क्वेश्चन लिख लो जहां लिखना है वहां लिख लो एक क्वेश्चन डिस्टिंक की आना आना ही आना है पूछा ही जाएगा तो डिस्टिंग कीवर्ड क्या करता है एक्चुअली यूनिक वैल्यू की आउटपुट अगर चाहिए कई बार क्या होते हैं कि मान लो डिजिग्नेशन लिख रहे हैं जेंडर लिख रहे हैं हाउस लिख रहे हैं तो सेम वैल्यूज वी आर राइटिंग मल्टीपल टाइम्स एक ही वैल्यू को बार 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 लिखा जा रहा है तो ऐसे केस में उस वैल्यू को अगर आप स्टॉप करना चाहते हो यू वॉन्ट टू सी द ओनली यूनिक वैल्यू एज अ आउटपुट फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द डिस्टिंग कीवर्ड उसके लिए हमें डिस्टिंग कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है अब जैसे देखिए कि डिस्टिंग कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट और डिफरेंट वैल्यूज इन ए पर्टिकुलर और होल टेबल जैसे हमने लिखा डिस्टिंग कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल दिस इफ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट द डिस्टिंग वैल्यूज फ्रॉम द द टेबल फॉर दैट वी आर यूजिंग डिस्टिंग सिटी तो क्या होगा डिस्टिंग सिटी आउटपुट आएगा रिपीटेशन नहीं आएगा अगर ये डिस्टिंग नहीं होता मान लो यहां पे ऑल की वर्ड होता या आपने डिस्टिंग लिखा ही नहीं होता डिस्टिंग लिखो तो डिस्टिंग आएगा अदरवाइज ऑल ही माना जाता है बाई डिफॉल्ट ऑल होता है ये ठीक है तो उस केस में क्या होगा कि जितने भी एंट्रीज हैं वो रिपीटेशन के साथ वहां पे एंट्री दिखाएंगे आउटपुट हमें दिखाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये ठीक है अब आ जाइए ऑपरेटर्स वी आर यूजिंग द सो मेनी ऑपरेटर्स बिटवीन द वेयर वेयर क्लॉज क्लॉज के साथ हम कई सारे ऑपरेटर्स यूज करते हैं इसमें एक ऑपरेटर आता है हमारा बिटवीन बिटवीन ऑपरेटर ऑपरेटर देखो से तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन बिटवीन और नॉट बिटवीन और इन से एक क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान में रखना भी चाहिए बिटवीन का मतलब हो गया कि दो रेंज वैल्यू के बीच के डेटा को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो रेंज ऑफ डेटा को कंपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए हम बिटवीन का यूज कर करते हैं बिटवीन वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू वन देखो कैसे यूज हो रहा है वेयर के बाद आपको कॉलम नेम देना है और उसके बाद बिटवीन वैल्यूज यूज करने के लिए उनको करना है बिटवीन वैल्यू वन एंड वैल्यू टू इफ यू वांट टू सेलेक्ट द पर्संस विद अ लास्ट नेम अल्फाबेटिकली बिटवीन दिस एंड दिस तो फॉर दैट परपस वी आर यूजिंग द बिटवीन क्लॉज ठीक है अब जैसे देखो यहां पे बिटवीन हैंडसेंस हाँ, एंड बिटवीन पेटर्सन एंड कमांड्स के साथ यहाँ पे ध्यान रखना बिटवीन के साथ एंड भी यूज होता है पहले वेयर के आगे कॉलम का नाम लिखो फिर बिटवीन लिखो फिर वो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू दो ध्यान रखना ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पे रिजल्ट सेट में इंक्लूड होगी जैसे मान लो मैंने लिख दिया वेयर सैलरी बिटवीन फाइव थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड तो मतलब क्या है कि फाइव थाउजेंड से लेकर टेन थाउजेंड के बीच की जो भी सैलरी होगी वो दोनों ही एज आउटपुट आएगा वहां पे बाहर आएगा ओके okay. उसके बाद है नॉट बिटवीन अब मान लो इसका ऑपोजिट चाहिए भाई वो जो 5000 और 10000 के बीच में नहीं हो तो मैं क्या करूंगा वहां पे बिटवीन से पहले नॉट कीवर्ड को यूज कर दूंगा तो ये बिहेवियर चेंज हो जाएगा इसका जैसे नॉट बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के बीच में नहीं आता हो तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग दिस कमांड हियर ठीक है क्लियर है ये चीज चल इसके बाद अगर हम बात करें नॉट बिटवीन समझ में आ गया इसको देख लेना न्यूमेरिक वैल्यू के साथ देखना ज्यादा सही रहेगा ओके कुछ हाईलाइट हो गया

ऐसे काम के लिए नाम का आखिरी लेटर टी होगा नाम के बीच में बी आता है नाम के बीच में सी आता है कुछ ऐसा ही चीज है मिक्सअप है किसी के नाम में यादव आ रहा है किसी के नाम में कुमार आ रहा है सिर्फ कुमार नाम वाले रिकॉर्ड दिखा दो तो ऐसे केस के लिए हम पैटर्न मैचिंग यानी कि लाइक ऑपरेटर को यूज करते हैं और लाइक like ऑपरेटर में हमें दो ऑपरेटर दो सिंबल्स का यूज होता है एक परसेंट सिंबल का एक अंडरस्कोर सिंबल का परसेंट सिंबल्स जो है रिप्रेजेंट जीरो वन और मल्टीपल कैरेक्टर्स अननोन कैरेक्टर्स नहीं पता क्या आएगा उसकी जगह पे तो परसेंट का यूज करते हैं अंडरस्कोर हमेशा एक अननोन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जब कभी भी रोज़ को पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न और हमें बहुत ज़्यादा एंटायर वैल्यू नहीं पता होती है तो हम लाइक like कमांड को यूज़ करते हैं कंडीशन होता है वेयर पहले कॉलम का नाम लिखते हैं फिर लाइक like देते हैं फिर डबल कोट्स के अंदर में हम पैटर्न बताते हैं जैसे जैसे यहां पे लिख दिया जैसे देख सकते हो कि ये वो नाम दिखाना है हमें जिसका नाम टी से स्टार्ट होता है किससे स्टार्ट होता है स्टार्ट विध टी होता है तो क्या लिखा गया वेयर फर्स्ट नेम लाइक फिफ्टी परसेंट अब यहां पे आपको क्या दिखाना है वो आप देख लो यहां पे कह रहा है फर्स्ट टाइम दिखाने के लिए इसलिए फर्स्ट टाइम कॉलोन हम सेलेक्ट स्टार भी लिख सकते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है देखना है कि डेटा क्या कह रहा है दिखाने के लिए तो ये देखो इसने दिखाया जिसका नाम टी से स्टार्ट होता है उस नाम को दिखाओ If we want to display all records where the last name, last name, uh, last name, second letter is A, last name का second letter A हो तो देखो इसने क्या किया Last का मतलब इसने क्या बोला लास्ट नेम सेकंड लेटर सेकंड लेटर मतलब दूसरा कैरेक्टर तो पहला क्या दे दिया अंडरस्कोर और उसके बाद क्या लगा दिया ए तो पहला अंडरस्कोर फिर ए लगाने मतलब हो गया कि पहला कैरेक्टर नहीं पता चल रहा है मुझे कि क्या होगा टी होगा ए होगा सी होगा डी होगा नहीं पता लेकिन जो तो उसके बाद का सेकंड लेटर आएगा ना वो तो पक्का ए ही होगा तो क्योंकि अगर आप यहां देते ना अगर आप यहां ए लगा देते तो परसेंट एनी नंबर ऑफ अनोन कैरेक्टर हो जाता ए के पहले नहीं भी हो सकता था ए के पहले एक कैरेक्टर हो सकता था ए के पहले दो भी हो सकता था ए के पहले दस भी हो सकता था इनफाइनाइट भी हो सकता था ठीक है लेकिन जब आपने अंडर स्कोर ए लिख दिया अंडर स्कोर ए लिख दिया इसका मतलब यह हो गया कि ए के पहले एक ही कैरेक्टर होगा तो दैट इज द पॉइंट इन ऑपरेटर इन ऑपरेटर से देखो बिटवीन और इन में से एक का क्वेश्चन आएगा ध्यान कर लो बिटवीन और इन में से एक क्वेश्चन आएगा तो इन ऑपरेटर का, का काम क्या है इन ऑपरेटर्स चेक करेगा वैल्यू विद इन सेट ऑफ वैल्यूज मीन्स सेट ऑफ वैल्यूज के बीच का वो वैल्यू निकाल के देगा जैसे कॉलम नेम इन वैल्यू वन मतलब कॉलम की जो वैल्यू है इसमें से किसी के साथ मैच करती हो तो वो वाला वैल्यू निकाल के ये आपको प्रोवाइड कर देगा ठीक है जैसे कि लास्ट नेम इन इनसेंस और पिटरसेंस मतलब या तो हैंसन हो या पिटर्सन हो उन सारे रिकॉर्ड्स को दिखा दो इसका मतलब

ऑर्डर अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑर्डरवाइज के बाद आपने कॉलम का नाम दिया उसके बाद आप असेंडिंग या डिसेंडिंग बताते हैं मतलब आपको असेंडिंग में अरेंज करना है या डिसेंडिंग में अरेंज करना है ये आपको बताना होगा बाय डिफॉल्ट ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है असेंडिंग के लिए ए एस सी की वर्ड यूज करते हैं तो ये क्या होगा जैसे मैंने बोला कि लास्ट नेम असेंडिंग रिकॉर्ड को दिखाना है लेकिन लास्ट नेम के हिसाब से अरेंज करके दिखाना है तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग असेंडिंग अगर यहीं पर होता कि रिकॉर्ड को दिखाना है लेकिन लास्ट टाइम के हिसाब से डिसेंडिंग दिखाना है तो एएससी के जगह पे हम क्या लिखेंगे डीएससी लिखेंगे सेलेक्ट कमांड्स में ऑर्डर बाय के साथ एक चीज और ध्यान रखना है ऑर्डर बाय क्लॉज जो है वो हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा सबसे लास्ट में ऑर्डर बाय क्लॉज आता है किसी भी तरह की क्वेरी के अंदर अब ये टॉपिक थोड़ा लेंदी हो रहा है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि मैंने एक घंटे का वीडियो ऑलमोस्ट बना ही दिया है तो जो नेक्स्ट पार्ट रह रहा है जो कुछ रह जा रहा है मैं वो नेक्स्ट पार्ट में आपसे बात करूंगा तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाय टेक केयर